संजय लीला भंसाली की फिल्मों को हमेशा विजुअल भव्यता के साथ समरूप किया गया है। अपनी नवीनतम फिल्म पद्मावती के लिए कुछ भी नहीं वादा करता है सोमवार को जारी 3 मिनट का ट्रेलर जीवंत रंगों का एक विस्फोट है। राजपूताना महिलाओं की स्कर्ट के चमकदार लाल से अलाउद्दीन खिलजी के तंबुओं की राख के सफेद रास्ते तक यह एक लंबे राजपूत के साथ खुलता है जो एक किले तक चलते हैं। संभवतः चित्तौड़गढ़ किला यह रावल रतन सिंह शाहिद कपूर की अध्यक्षता में है और उसके पीछे रानी पद्मावती दीपिका पादुकोण वाले कपड़े की चलती दीवार है। आपदा हमले से पहले प्रमुख दलों के बीच कई निविदाक्षण दिखाए जाते हैं। यहाँ है ट्रेलर सफलता पूर्वक ही मिशेल की भावना की ट्रिप देता है जिसमें किलों लेटिन कारवा और लड़ाइयों के लंबे शॉट्स होते हैं। धूल तूफान में घुसने वाले एक एक घोड़े सवार की शानदार शॉट भी है। शाहिद की तुलना में थोड़ा और अधिक सफेद दिखता है और दीपिका की तरह दिखती है कि भूमिका उसके लिए दर्जी थी। हालांकि रणवीर सिंह को शैतान खिलजी के रूप में देखा जाता है जो आपके आँख को पकड़ता है। फिल्म का विरोध पहले ही सामने आया है और फिल्म के सेटों को तोड़ दिया गया और आग लग गई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री को उद्योग को आश्वस्त करने के लिए अभी तक जाना पड़ा कि कानून और व्यवस्था नियंत्रण में रहेगी। भंसाली का संगीत ट्रेलर में अनूठा है। यह फिल्म किम सरब और अदिति राव हाइडेरी भी प्रस्तुत करती है और 1 दिसम्बर को रिलीज करने के लिए तैयार। दोस्तों, हमारी यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।